हेलो हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड गुड नाइट। मैं रमन यादव मलंगिया मधुबनी बिहार से। मेरा यूट्यूब चैनल राइटर रमन यादव एंड स्टडी जोन बाय रमन सर में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं मलंगिया पंचायत के मुखिया श्री गुणानंद यादव जी से मिलने आया हूँ और उनका इंटरव्यू लूँगा। और सबसे मेरा पहला सवाल नंबर वन, सबसे तो मेरा प्रणाम। और पहला सवाल है सबसे पहले मुखिया जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुणानंद यादव है। और अपना पूरा एड्रेस बता दीजिए। मैं पूर्व मुखिया गुणानंद यादव घर से हुआ, यही मेरा अथी है। और कितना बार आप मुखिया बने हैं? हम दो बार लगातार मुखिया बने थे, मतलब 2001 का पार्ट हिस्सा में मतलब था और 2007 में 6 में मुखिया बने थे। उसके बाद 11 में चुनाव हार गए थे, 15 में मतलब मैं प्रतिनिधि के रूप में मतलब ये नेगड़ा पासवान को स्टैंड कराया और जीताया। उस बार अपने पुतोह को स्टैंड करा के जिताया, मिला के मतलब पंचायत में 4 बार मुखिया बने। 4 बार आप बन गए, यादव का रिकॉर्ड टूटी है देखिए। और मलंगिया पंचायत को आप रिकॉर्ड तोड़ दिए, आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप मलंगिया पंचायत में नहीं आते तभी कोई माई का लाल यादव नहीं था जो मलंग यादव मुखिया बनता मलंगिया में, क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए जात का राजनीति हम नहीं करते हैं, हम तो मतलब पूरे समूह का राजनीति करते हैं। सब जाति को आप सब जाति को लेकर चलते हैं, हम जात पात का राजनीति नहीं करते और सभी जात का मतलब जब स्नेह प्यार और सब कुछ मिला। और ये आपका घर का सवाल है पर्सनली, मतलब आपके कुल कितने बेटे हैं? 3 बेटी। तो क्या आप जुलूस निकालेंगे? देखिए इसमें कोई अथी नहीं है, जुलूस मतलब मुझे कोई अथी नहीं है, लॉकडाउन के हाँ गाइडलाइन के कोरोना गाइडलाइन के अनुसार हम चले हैं आज तक, अभी तक चलना चाहते हैं। अच्छा, बरस छाप जीत गया क्या? और इससे पहले ईट छाप था जो जीते आप नेगरा पासवान जी मुखिया बने, दोनों में सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे लगता है सबसे बरस छाप में करना पड़ा होगा। ये तो पहले 13 वार्ड था, अब 23 वार्ड हो गया, अब 3 पंचायत जुड़ के एक मलंगिया पंचायत बना, तो मतलब स्वाभाविक है 23 वार्ड और 13 वार्ड में अंतर हो। पहले 13 था मलंगिया पंचायत, अब 23 हो गया, तो सबसे ज़्यादा मेहनत जी स्वाभाविक। 7-6 और मैं रमन यादव, मेरा पर्सनल सवाल सवाल नंबर आठवां सवाल है, मुझे कितना सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि हम शुरू से सपोर्ट करते हैं। देखिए सपोर्ट मतलब जो अथी से होता है, क्योंकि सपोर्ट मतलब जो कौन चीज में सपोर्ट हमसे मतलब नहीं, आशीर्वाद और कुछ नहीं हमको चाहिए, हम आशीर्वाद के लिए आए और कुछ नहीं। पूर्ण आशीर्वाद है, आप हमारे रिलेशन में भाई ना मिल रहे हैं, आप मेरे मामा लगेंगे, तो पूर्ण पूर्ण मतलब सहयोग होगा। अब देखिए एक सवाल मेरा, अब मैं आपको मामा बोलू या चाचा बोलू, क्योंकि आपके नाम से मैंने गुना चाचा जीत गया गीत भी गाया। ठीक है, सब चलेगा, क्योंकि हाँ। मतलब दाएं में मतलब अजी है, बाएं में मतलब चलिए दाएं को लेके चलते हैं मामा जी आपको बोलेंगे, क्योंकि मेरे श्री में मेरे मामा जी हैं श्री केदारनाथ यादव जो शंभुआर के हैं, उनका प्रिय मित्र हैं मतलब मुखिया जी का, आप कहिए उनके बारे में बोलेंगे। वो तो बहुत मतलब जो हमसे सीनियर है, सीनियर और सीनियर के हिसाब से हम चलते हैं और दोनों आदमी का संबंध ऐसा है जो मतलब जो कोई दूरी नहीं बना सकता है, और हर मुसीबत में हर काम में हमको साथ है और वो हमारे साथ। अच्छा, केदारनाथ यादव आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं? जी जी।
थैंक यू सो मच। 10 सवाल मेरा पूर गया, यही 10 से सवाल हम लेके आए थे। आशीर्वाद दीजिए।